इसे तीन ही बता खत्म किया था ना, इसे टेकन अबैक बताया था और एक बेहतरीन उदाहरण दिया था, ठीक है आमिर भैया का एग्जांपल था, मेरा नहीं था, आमिर बोले थे कि सर अपने नाम से बता देना, इसलिए टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब क्या, शॉक होना, स्तब्ध रह जाना, चौंक जाना, ठीक। तो याद करने का तरीका वो सीढ़ी वाले से बताया था कि भैया अपन कदम पीछे ले लेते हैं, बहुत कर तो डर जाते कदम पीछे लगते हैं, तो इसी स्टेप क्या बैक ले लिया, पीछे ले लिया, तो शॉक गया, शॉक हो गया, तो टेकन अबैक वहां से, बाकी मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा ऐसा है। तो ये टेकन अबैक, शॉक होना, ऐसे एक और वर्ड था एबंडन। तो कहानी को आगे बढ़ाए थे कि ये उसके पिताजी सोटे उसको, उसका शी एबंडन मी, मतलब मेरे को छोड़ दी, शी एबंडन मी, तो एबंडन मतलब होता क्या, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, कोई यादा छोड़ देना, किसी रिश्ते छोड़ देना, कुछ भी छोड़ देना, एबंडन, ठीक है। बट ये मालूम भी होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे यूज करना है, ठीक है, उसका भी, क्योंकि आप नॉर्मली डिक्शनरी में देखोगे ना हिंदी, आज एक वोकैबुलरी देख रहा था उसका मतलब घुमाना फिराना होता है, तो एक बच्चा बोला कि घुमाना फिराना मतलब किसी बैठा घुमाना फिराना नहीं, वो घुमाना फिराने के लिए तलवार या चाकू हथियार से लहरा देते ना किसी डराने के लिए, उसको उस घुमाने फिराने का वो वर्ड था, ठीक है। वैसे ही खराब होना, खराब होना, तबीयत खराब होना।